Assalamualaikum, welcome to admission section. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी क्या होती है। होम्योपैथी बेसिकली इज द मेडिकल नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम। होम्योपैथी इज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ट्रीटिंग लाइक विद लाइक। होम्योपैथी क्लेम्स टू स्टिमुलेट हीलिंग रिस्पॉन्सेज टू डिजीजेज बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग सब्सटेंसेस दैट मे मिमिक the symptoms of dead disease by administering the substances, ठीक है, जो mimic करते हैं symptoms of those diseases in healthy people. The effectiveness of homeopathic preparations is disputed within medical science. ठीक है, medical science में जो हमारे पास homeopathy है, homeopathy वालों का कहना है कि जो बीमारी आपको हुई है, ये homeopathy एक ऐसा field है कि अगर आप वो medicine लेते हैं तो वो अंदर जाके ऐसे ही करती है जैसे वो खुद बीमारी है, तो जो असल बीमारी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और आप फिट हो जाते हैं। और जो मेडिकल साइंस की जो होम्योपैथी के बारे में ऑब्जेक्शंस हैं वो ये हैं कि ये कोई खास मतलब असर करने वाली मेडिसिन नहीं है। ठीक है, उनका कहना है मेडिकल फील्ड वालों का। अभी हम बात करते हैं कि अगर आप BS होम्योपैथी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एवरेज फ़ी कितनी होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, इसमें फील्ड क्या होता है, आपका काम क्या होता है, स्कोप क्या है, सैलरी कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, स्केल क्या मिलता है पाकिस्तान में, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करेंगे इस बारे में। ठीक है, इसका जो बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया है वो आपका FSC प्री मेडिकल होना लाजिम है। ठीक है, आपके अगर FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज फ़ी की बात कर लेते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपकी एवरेज फ़ी पर ईयर 50,000 से 90,000 के दरमियान है, पब्लिक सेक्टर में 40,000 से 60,000 है। ठीक है, आपकी जो फ़ी है इसकी BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ड्यूरेशन इसकी 5 साल है। ठीक है, 5 से 5.5 साल भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लग जाते हैं, मतलब वो 1.5 साल की इंटर्नशिप करवाती हैं, कुछ 1 साल की करवाती हैं, तो आप इसको 5.5 साल अपने जेन में रखें। ठीक है, मोस्टली यही होता है, 5.5 साल यूनिवर्सिटीज़ इसका टाइम लेती हैं। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है मेडिकल कॉलेज लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वाइटेक्स कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कराची वाला कैंपस भी है, एबटाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, हज़ारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हज़ारा, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लाहौर। ये आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, ये चंद एक जो इंस्टीट्यूट हैं ये होम्योपैथी की डिग्री ऑफर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप BHMS कर लेते हैं तो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या होगी, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, टीचिंग के फील्ड में आप जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मा कंपनीज में आपको जॉब्स मिल जाती हैं, NGOs में जॉब्स मिलती हैं, एक्यूपंक्चर सेंटर में मिल जाती हैं, प्राइवेट क्लिनिक में मिल जाती हैं, फार्मेसीज में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो इस फील्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आप लीगली अपना लाइसेंस बना के होम्योपैथी का क्लिनिक बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें पाकिस्तान के हर सिटी, हर छोटे मोटे शहर, हर बड़े शहर में होम्योपैथिक क्लिनिक कभी भी चलते हैं, और इनकी जो चलने की रेशियो है मतलब सक्सेसफुली वो काफ़ी कम हो गई है, पहले काफ़ी ज़्यादा थी, अब लोगों का रुझान इस तरफ नहीं रहा। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, मतलब हर सिटी में कोई ना कोई होम्योपैथी का डॉक्टर ज़रूर होता है, लोगों का एतमाद उस पर बना होता है, और लोगों को जिन लोगों को होम्योपैथी से इलाज की आदत पड़ जाए फिर उनको हमारी जो दूसरी मेडिसिन है मेडिकल वाली उससे असर नहीं होता। ठीक है, उनका जो सिस्टम है फिर उसको पक्का पक्का अडॉप्ट कर लेता है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको बेसिक पे स्केल 15 से 16 मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से 60,000 के दरमियान होती है, और
ये एक अच्छी सैलरी है, मतलब आज के दौर में ठीक है, नॉर्मल है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक में भी। स्केल आपको 15 से 16 मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, ये फील्ड किन लोगों के लिए है। ये फील्ड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में है, काम कर रहे हैं और अपना कोई होम्योपैथी का क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी उनके पास लाइसेंस नहीं है या उन्होंने किराए पे लिया हुआ है लाइसेंस किसी से लेके अपना क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं, या भाई का लाइसेंस है, बाप का लाइसेंस है, तो ये फील्ड उन लोगों के लिए है, ठीक है। और अगर इसका होता ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इनका एडमिशन वैसे ही ऑफर करते हैं, मतलब आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लासेस भी ना लेनी पड़े और आप किसी अच्छे फील्ड में एंटर भी हो जाएं, हो जो कल को काम भी आए, तो ये फील्ड आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जजाकल्ला।